हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन, आज आपका एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन वन से शुरू करेंगे। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, जैसे इंटीजर्स का डिवाइड यानी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है इसमें। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आप डिवाइड नॉर्मली तो जानते होंगे ना, वही उसी तरह से इसको करना है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जो साइन आ रहे हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन में लिखा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है -30/10, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं -30/10=। तो देखिए 10 की टेबल में ये 33 बार आता है, तो हम 3 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये माइनस आ रहा है आपका, तो ये माइनस आ रख दीजिए यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि यहां प्लस है या माइनस है, कोई कटने वाली बात नहीं, कट नहीं सकते। या आप ऐसे याद रखिए कि यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस, अपोजिट साइन है तो आपको माइनस ही रखना है। अगर सेम साइन होंगे तो वो कट जाएंगे आपके, जैसे यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां माइनस है, यहां प्लस है, देखिए अभी यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो आपको माइनस ही रखना है आपको, ठीक है ना, वो कटता तो है नहीं। तो ऐसे ही सेकंड पॉइंट में भी देख लीजिए आप, ये -36 है, इसमें डिवाइड करेंगे -9 का, तो इसमें तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, 9 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 9 4 36। तो इसी छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, ज्यादा बड़े नंबर्स का यूज नहीं किया गया, केवल आप डिवाइड करो, क्योंकि साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस आपको मिलता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो आपका पॉजिटिव इंटीजर आपका आंसर में आएगा। अगर आपके सेम साइन है तो वो कट जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो इसके जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें आपको फिल करना है, ब्लैंक्स आपको दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 120 - -4, तो यहां पर ब्लैंक आपका छुटा हुआ है, यहां पर कोई नंबर आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे आप, कि इसका मतलब क्या है कि इस 120 में हमें किसका, हम किसका डिवाइड करें कि ये हमारा आ जाए। तो सीधी सी बात है कि आप इसका डिवाइड इसमें कर दीजिए, आप इसका डिवाइड इसमें कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो 120 जैसे ये लिखा है तो इसमें -4 से आप डिवाइड कर दीजिए आप। तो देखिए एक बार माइनस है तो माइनस तो लगेगा आपका, 4 से ये कितनी बार कटेगा, माइनस यानी कि 4 3 12 और 1 0 यानी -30 बार। तो वो -30 आप यहां भर सकते हैं आप। अब आप एक बार ट्राई भी कर लें कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए 30 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो 4 ही बार जाएगा, ठीक है ना, या इनका इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। किसी तरह से देख लें तो आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए आप, नंबर 2 में क्या है, -27 / इतना, और इक्वल में 9 रख रहा है ना, तो इधर वाला नंबर आपको भरना है, तो इसका आप डिवाइड इसमें कर दीजिए आप। जैसे -27 है, इसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो माइनस तो एक बार आ रहा है तो वो तो रखेंगे हम, 9 के टेबल में 27 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, 9 3 = 20 -3 आया, तो -3 आप यहां रख लीजिए। अब एक बार वेरीफाई चेक भी कर लेते हैं हम। देखिए अगर हम इसमें इसका डिवाइड करें तो इतना आना चाहिए हमारा, जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो वो माइनस से माइनस घटेगा, चेक करते हैं ना, -27/-3, माइनस से माइनस घट गया, और 3 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 9 बार, 3 9 = 27, वही आपका रखा है, तो हमारा जो जवाब आया है वो ओके है एकदम। तो थर्ड पॉइंट में देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट में है आपका, पहले से ही ब्लैंक दिया है डिवाइड -4। अब देखिए यहां पर आपको भरना है, तो आप क्या करेंगे, यहां 27 दिया है, पहला ही नंबर आपको भरना है, तो इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आप यहां भर दीजिए। अगर आपको ये भरना पहले वाला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां भर दीजिए, आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो देखिए -4 और -27 का मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आता है, माइनस तो रख लीजिए आप, 4 7 = 28, 4 2 = 8 और 2 10 यानी -108। तो यहां पर -108 भर दीजिए आप, -108, इसको चेक करते हैं देखो ठीक है कि नहीं है। अब इसमें इसका डिवाइड कर लीजिए आप, इसमें -4 का डिवाइड कर दीजिए आप, माइनस से माइनस कटा, 4 2 = 8 कितना हुआ, 4 2 = 28 हो जाएंगे, 4 7 = 28, देखिए 27 रखा है, तो जवाब आपका वेरीफाई हो रहा है, यानी आपका क्वेश्चन का जो आपने भरा है, फिल किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट इंटीजर है आपका। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे पहला ही आपको प्लेस भरना है आपको,
तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको यहां भरना है। इसमें भी यही करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां भरना है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जीरो। अच्छा, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करो तो जीरो ही आता है, उधर रखा है आपका, तो चेक भी हो रहा है हमारा। इसमें भी पहला ही आपको स्थान भरना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप, 39 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 39 होगा आपका, तो वही माइनस 39 आप यहां भर दीजिए। अब माइनस 39 में माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 39 बचेगा, वो ये रखा है, चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए फिर यहां पे भरना आपको, ये वाली जगह आपको भरनी है, तो आपको हमने क्या बताया था, इसका आप इसमें डिवाइड कर दीजिए तो यहां नंबर आ जाएगा आपका। तो इसका जब डिवाइड इसमें करेंगे यानी 57 में माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो माइनस तो आ जाएगा, एक बार आ रहा है, अब 1 का डिवाइड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाएगा हमारा 57, यानी कि माइनस का 57 आप यहां पर भर दीजिए। तो ये आपका देखिए, अगर हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे, सेम नंबर है आपके 57 में, माइनस 57, 57 से डिवाइड करते हो तो एक बार कट जाएगा ये, यानी कि आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, जो माइनस 1 यहां रखा। चेक भी करते रहे आप, ऐसे चेक कर ले कोई भी नंबर भरना हो, ठीक है ना। तो इसको आप, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दिया है कि डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको डिवाइड करना है, ये माइनस 53 फर्स्ट पॉइंट में दिया है, बाई माइनस 1, यानी इसमें डिवाइड हमें करना है माइनस 1 का। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, माइनस 53 अपॉन माइनस 1, तो माइनस से तो माइनस आपका कट जाएगा, आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 53, ये आ जाएगा 53, यानी कि आइडेंटिटी भी होती है। 6 के पॉइंट में हम देखते हैं, क्योंकि 1 के बाद हमने 4 पॉइंट्स आपके लिए छोड़े हैं, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो 6 में देख लीजिए क्या है, 72 में डिवाइड आपको करना है माइनस 4 से, तो माइनस 72 अपॉन माइनस 4, तो इसमें क्या है, दोनों में माइनस है, आप काट दीजिए। अब 4 का डिवाइड कर लीजिए आप, 72 में कितना आएगा, 18। तो ये इस तरह के इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, वेरीफाई एंड आल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज। इसको वेरीफाई भी करना है और आपको प्रॉपर्टी का नेम भी बताना है। तो पहले तो वेरीफाई करिए, दोनों साइड को इक्वल करिए आप, जैसे ये लिखा है माइनस 445, इसके ब्रैकेट को रिलीज कर दीजिए, हटा दीजिए, प्लस 315 इक्वल 315, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, माइनस 445। क्या करेंगे यहां पर, इसमें से इसको माइनस करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना है, तो माइनस में आएगा, तो कितना आएगा, जीरो, फोर में से बन गया थ्री, फोर में से थ्री गया वन, ऐसे इधर माइनस करिए आप, यहां भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर आपको माइनस करना है, ये भी माइनस में आएगा, तो इसको भी माइनस करिए तो कितना आएगा आपका, 130। दोनों साइड इक्वल आ रही है, यानी कि LHS इक्वल RHS, वेरीफाई तो हो गया कि जो भी हमको ये प्रॉपर्टी दी है वो ट्रू है, लेकिन हमें इसका नेम बताना है। तो देखिए नंबर तो वही है दोनों तरफ, जैसे यहां पर 445 लिखा तो यहां भी माइनस का 445 लिखा है, यहां भी माइनस का 445, यहां भी माइनस का 445, और यहां पर प्लस का है 315, तो यहां भी प्लस का 315, नंबर वही है, लेकिन क्या किया इन्होंने, केवल ऑर्डर को चेंज किया है, जैसे 445 आपका आगे लिखा है यहां पर पहले नंबर पर लिखा है, यहां पर बाद में लिख दिया गया, ये आपका बाद में लिखा तो यहां पर पहले लिख दिया गया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है ऐसा, जिसमें ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख दीजिए यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इसका नाम हुआ। अच्छा ठीक इसी प्रकार से सेकंड आपका पॉइंट है, 17 इंटू माइनस 12 इक्वल माइनस 12 इंटू 17। तो यहां पर क्या है कि नंबर तो वही है, 17 है यहां तो यहां भी 17 है, माइनस 12 है तो यहां भी माइनस 12 है, केवल ऑर्डर को चेंज किया गया है, जो पहले लिखा उसको बाद में लिखा गया, जो बाद में लिखा है तब उसको पहले लिखा गया, ऑर्डर चेंज है, तो प्रॉपर्टी तो सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी एडिशन के लिए है, यानी कि योग के लिए, ये भी लिख सकते हैं आगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और यहां पर क्या लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम पहले से मैं बता देता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन।
ये मल्टीप्लाइकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इनका इनका मल्टीप्लाई करिए आप, 12 7 84 12 12 और 8 20, और इधर भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 72 34 71 70 और 3 17 बन जा 17, और उस पर 3 कैरी कर लीजिए आप, तो कितना होगा 20, और ये माइनस लगा दीजिए। दोनों तरफ इक्वल आ रहा आपका LHS इक्वल RHS, वेरीफाई तो हो गया आपका। अब आपको केवल प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, क्या लिखेंगे आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना और ऑर्डर चेंज हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, ये इस प्रॉपर्टी का नाम हुआ है आपका। तो इसी तरह से और भी पार्ट इसमें है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनका नाम भी लिख सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई जा चुकी हैं, तो उनमें से जिस प्रॉपर्टी का यूज हो उस प्रॉपर्टी का आपको नाम लिखना है और इस तरह से दोनों साइड को सॉल्व करना है। ओके, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। नंबर 5 में फाइंड, आपको फाइंड करना है, हमने दो पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, एक फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फोर्थ पॉइंट लिखा है, तो ये लिखा है -20 / 4, तो इनका इसमें डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा, तो आप डिवाइड कर दीजिए -20/4, जब डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक ही बार आ रहा है तो माइनस रख दीजिए, अगर दो बार माइनस होता तो हम काट देते, प्लस हो जाता, तो 4 5 20 यानी -5, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड करना है -4 0 0 0 0, इसमें डिवाइड किसका करना है आपको, -800, देखिए इसमें माइनस दोनों में आता है तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, ये काट दिया, अब देखिए ये 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, आप तो बिल्कुल सिंपल बचा है 8 का डिवाइड करना है, यानी कि 8 5 जा 40 और 2 0 और बचेंगे उनको रख दीजिए, तो इसका जवाब कितना है आपके पास, 500, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 6 क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो -21 into (16+)² -13, तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इन्हें समझना पड़ेगा आपको, जैसे लिखा है बॉड मास, बॉड मास क्या होता है, देखिए इनके सभी जो भी लेटर्स हमने यहां पर लिखे हैं उन सभी का यहां पर मीनिंग लिखा है, बी का मीन्स क्या है, ब्रैकेट्स, ओ का मीन्स क्या है, ऑफ, डी का मीन्स डिवाइड, एंड एम का मीन्स है मल्टीप्लाइकेशन, ए का मीन्स है एडिशन, एंड एस का मीन्स है सब्ट्रैक्शन, तो ये बॉड मास जो एक हमने वर्ड के रूप में लिखा है, तो इनकी एक एक लेटर का मीनिंग जो है वो हमने आपको बताया है, बी से मतलब ब्रैकेट, ओ से ऑफ और डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाइकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ये होते हैं इनके मीनिंग्स ऑफ ईच लेटर। देखिए अब जैसे हम सबसे पहले लिखा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है, सबसे पहले किस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है हमारा, तो इनको हम किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इन ब्रैकेट्स के नाम जान लें, ये जो ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट या इसको बार ब्रैकेट भी हम कह सकते हैं। अच्छा सेकंड में है ये देखो ब्रैकेट है, तो इसको हम सिंपल ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम सर्किल ब्रैकेट कह सकते हैं, इसको हम राउंड ब्रैकेट कह सकते हैं, इसको 3 नेम्स हमने दिए हैं, उसमें से कोई सा आप एक ध्यान रखिए, और नंबर 3 में देखिए बना है ये कर्ली ब्रैकेट है, और नंबर 4 में आपका जो बना है तो इसको जनरली हम बिग ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो ऑर्डर है सॉल्व करने का, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और सबसे बाद में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये इनका ऑर्डर होता है सॉल्व करने का। अच्छा जो आपके पास ब्रैकेट के बाद जो चीज आएगी, अब ये चिन्ह की तरह साइन की तरह काम करते हैं, तो इनमें हम क्या ऑर्डर रखेंगे, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ का मीन्स ही होता है मल्टीप्लाइकेशन,
लेकिन मल्टीप्लाइकेशन इसमें यहां भी दिया है, लेकिन नहीं, इससे भी पहले आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड को करना है, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। दो ही चीजों का ध्यान रखना है, ब्रैकेट को किस ऑर्डर में सोल्व करना है और अपने जो आपके साइन है उसे हम किस क्रम में सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के लिए हमने बता दिया, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट। सबसे बाद में बिग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब जो साइन की बात आते हैं, सबसे पहले ऑफ को करते हैं, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इतना आपको लर्न रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सिक्स क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है -21 into, और जो ये ब्रैकेट्स का हमने यूज किया है, तो ये देखना होगा कि हमारे पास कौन कौन से ब्रैकेट इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हमें दो ब्रैकेट दिए गए, एक आपका ये सिंपल ब्रैकेट दिया है और एक आपका ये बिग ब्रैकेट दिया है, और कोई सा ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है। एक देखिए ये यूज हुआ है और एक आपका ये यूज हुआ, तो ये देखना है इसमें ऑर्डर किसका पहले आता है। तो सबसे पहले ऑर्डर किसका आता है, सिंपल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट पहले आता है और आपका बिग ब्रैकेट सबसे बाद में आता है। तो सॉल्व करने का जो हमारा ऑर्डर होगा वो हम सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जैसे हमें सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तीन जगह पर हमारा ये सिंपल ब्रैकेट यूज किया गया है, तो इसको हमें सॉल्व करने, सॉल्व करने का मतलब है इनको हम रिलीज करेंगे, इनको हम हटाएंगे यहां से। तो आप जब हटाएंगे तो आपके पास हटा देंगे तो -21 आया, इंटू करिए, इसको अभी नहीं हम हटा सकते हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 16 है, ये प्लस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 13 आएगा। जब हमने सॉल्व कर दिया तो ये ब्रैकेट हमारा रिलीज हो गया। अब हमारा बिग ब्रैकेट बचता है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 16 - 13 लिखा है, इसको माइनस करेंगे तो -21 into 16 से आप 13 माइनस करेंगे, हमारे पास 3 बचेगा। आप माइनस तो रख दीजिए, आप 21 का 3 बार टेबल बढ़ेंगे, 21 3 = 63 होता है कि नहीं होता है, तो ये रख लीजिए आप -63। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड पॉइंट भी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम आपको फिफ्थ पॉइंट बताने जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, 100 into -10 + 400 - 100 - 5 50 - 5 × 10 और इस पर लाइन ब्रैकेट का यूज किया गया है। तो देखिए इसमें सारे ब्रैकेट, सारे जितने हमने आपको बताए, लाइन ब्रैकेट भी आ रहा है, सिंपल ब्रैकेट भी आ रहा है और कर्ली ब्रैकेट भी आ रहा है और बिग ब्रैकेट भी आ रहा है। सारे ब्रैकेट्स जितने भी बताए सारे इसमें यूज हो रहे हैं, इसलिए हम आपको फिफ्थ पॉइंट बता रहे थे आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर किसका है सॉल्व करने का, लाइन ब्रैकेट। तो देखिए इसमें पहले लाइन ब्रैकेट आपको ढूंढना है। लाइन ब्रैकेट कहां पर है, यहां पर देखिए, ये देखो लिखा है लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। तो इनमें क्या है, नीचे इस लाइन ब्रैकेट से नीचे लिखा है 5 into 10, तो सारा यहां से लेकर के आपको यहां तक ऐसा ही उतारना है और केवल इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइन ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा और किसी भी ब्रैकेट को आप टच नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 100 into -10 + big bracket 400 - curly bracket 100 - round bracket 50 - इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। इसको बंद कर दीजिए अभी आप। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 100 into -10 + 400 - curly bracket 100 - 50 में से 50 माइनस करेंगे 0 आएगा, यानी कि ये वाला ब्रैकेट जो आपका राउंड ब्रैकेट है वो आपका सॉल्व हो गया, उसको रिलीज कर दिया हमने। अब इसको बंद कर दीजिए आप कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट को। अब नंबर किसका आता है, देखिए सिंपल ब्रैकेट के बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट में ये लिखा है केवल 100 - 0 है तो वो तो 100 ही हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर दीजिए इसको, 100 into -10 + big bracket 400 - 100 और इसको बंद कर दीजिए। देखिए आपको इस ब्रैकेट को भी हमने रिलीज कर दिया। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 100 into -10 + अब इसका इसमें डिवाइड करिए आप, आपके पास कितना आता है, 4 आता है। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट तो सारे फिनिश हो गए हैं, यानी सारे सॉल्व हो गए हैं। अब हमारे पास क्या आता है, इंटू आता है और प्लस आता है, ये इंटू आता है और ये प्लस आता है। तो इंटू यानी मल्टीप्लाइकेशन और प्लस में किसको हमें सॉल्व करना है, पहले देखिए ये मल्टीप्लाइकेशन है ये एडिशन, तो पहले मल्टीप्लाई का ऑर्डर होता है उसके बाद एडिशन का होता है, तो पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, माइनस का 1000 हो जाएगा ये,
और प्लस 4। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, इन दोनों साइनों को सॉल्व करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर देखने में आपको लगता है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएंगे 996। ये इनका सोल्यूशन है आपका, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके जितने भी पॉइंट्स आपको बचे हैं अकॉर्डिंग टू, यानी इनका आपको यूज करना है, इस ऑर्डर का प्रयोग करेंगे आप और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब सेवन क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा पढ़ने में पढ़ेंगे तो आप कंसेंट्रेशन रखें पढ़ेंगे आप। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब कहने का है कि एक जो एलिवेटर है वो डिसेंड्स है, डिसेंड्स की मतलब होता है कि नीचे गिरना, आप ऊपर की तरफ से नीचे जाना। डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड है, इस स्पीड से ये गिर रहा है, हर मिनट में 6 मीटर गिरता है, ठीक है ना। इफ इट स्टार्ट टू डिसेंड, अब ये गिरना शुरू करता है, ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है। इट स्टार्ट्स टू डिसेंड फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जैसे ये ग्राउंड है आपकी, ये तो यहां से 10 मीटर यानी 10 मीटर की ऊंचाई से ये गिरना शुरू करता है इस जगह से, तो ये ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई है। और कहां तक जाता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। माइनस का मतलब है ये ग्राउंड से नीचे जाता है 350 मीटर, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। इस माइनस का मतलब यही है कि ग्राउंड से ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये माइनस लगा है। तो अब ये देखेंगे कि इस एलिवेटर ने कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है, ये आपको देखना है। तो यहां से 10 मीटर ऊपर से चला है और नीचे तक चला गया यहां से 350, तो इन दोनों को एड कर लेंगे अब तो हमें कवर डिस्टेंस पता हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कवर्ड, सॉल्व लिखेंगे यहां पर कवर्ड डिस्टेंस बाय एन एलिवेटर, कितनी डिस्टेंस होगी आपकी 10 और 350 को ऐड कर लीजिए आप, तो 360 मीटर हो गया आपका, यानी इतनी इसने कवर किया है डिस्टेंस को। अब आगे देखते हैं, वो आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट, मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये यहां पर पहुंच जाएगा, तो टाइम तो मालूम करना है आपको, तो आप लिख सकते हैं टाइम इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और उसके बाद ये डिस्टेंस होगी, ये इसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है 6 मीटर पर मिनट है। देखिए 6 मीटर पर मिनट का मतलब क्या है कि एक मिनट में ये 6 मीटर दूरी तय करती है, ये इसकी स्पीड है, लेकिन हम एक मिनट में नहीं एक सेकेंड में निकालेंगे, तो क्या करेंगे 6/60, क्योंकि मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 1/10 सेकंड, ठीक है 1/10 सेकंड, ये आपका टाइम हो गया, यानी कि ये आपकी स्पीड होगी, सॉरी ये मीटर पर सेकंड। अब आपको टाइम निकालना है, टेकन टाइम मतलब इसने कितना टाइम लिया है, टेकन टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूले से इसको आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 360 अपॉन स्पीड कितनी है 1/10, तो ये वाला 10 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 360 × 10 3600 इतने सेकंड हो गए, ये तो ये 3600 सेकंड आ गए, ये टाइम हो गया, तो ये एक घंटे के बराबर बीत होता है, तो इक्वल 1 आवर आप इसको लिख सकते हैं, 3600 सेकंड आया है, तो उसको आप 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। अब 8 क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 8 में है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 51040 इफ वन नंबर इज 145 फाइंड द अदर। मतलब कहने का क्वेश्चन का ये है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है और उसमें से वन नंबर आपका 145 है, तो अदर नंबर आपको निकालना है। दो तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आपके लेवल से, जैसे एक तो आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं अदर नंबर इक्वल प्रोडक्ट अपॉन वन नंबर, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना पसंद करते तो एक दूसरा भी तरीका आपको बता देते हैं, जैसे अदर नंबर आपसे पूछ रहा है तो इसको मान लीजिए लेट अदर नंबर इक्वल एक्स,
ठीक है। अच्छा इनका प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये दिया है 51040, और इसमें वन नंबर आपको दिया है 145। अच्छा आपके क्वेश्चन ने ये कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब हमारे पास दोनों नंबर है, देखिए वन नंबर आपका ये है और अदर नंबर आपका ये, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, या लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे एक्स इंटू 145 इक्वल 51040, तो एक्स इक्वल कितना होगा 51040 अपॉन 145, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए आपको अदर नंबर मिल जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए आप 51040 अपॉन 145, थोड़ा से छोटा कर दीजिए आप, 5 से ये कट रहा है हमारा, 5 टू जा एंड 5 नाइन जा, 5 से इसको काट दीजिए 10208, अब 29 से डिवाइड आप कर दीजिए इसमें 10208 कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार जाएगा, 87 फाइव बचा है यहाँ पर, वन बचा है, ये जीरो ले आओ नीचे, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 145 यहाँ 5 बचा, इसको ले आइए आप 58, तो ये 2 बार हो जाएगा 58, 29 2 58 यानी कितनी बार हुआ आपका 352, तो यहाँ पर लिख दीजिए 352, यानी कि जो आपका अदर नंबर है आप लिख दे सो अदर नंबर एक्स माना था आपने, तो वो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 352, ये अदर नंबर आपका हो गया है 352, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा अब अगर ऐसे आपको करना है थोड़ा ये लिखता है ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अदर नंबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन वन नंबर, यानी इसके अपॉन वो कर दीजिए, तो वही तो डिवाइडिंग हुआ था, यहाँ पर डिवाइड करना है आप ऐसे तो वही आ जाएगा। अच्छा नाइन में क्या है थोड़ा समझ लीजिए आप, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स, आपको नंबर एक पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, फाइव डिजिट का लीस्ट नंबर लिखना है, यानी सबसे छोटा नंबर लिखना है, लेकिन वो कैसा सबसे छोटा नंबर हो, विच इज एग्जैक्टली डिवाइजेड बाय 36, जो 36 से डिवाइजिबल हो, जिसमें 36 का पूरा पूरा भाग जाता हो, यानी कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ऐसा नंबर हमको चाहिए। तो देखिए पहले तो आप फाइव डिजिट का लीस्ट नंबर लिखेंगे, जो सबसे छोटा नंबर आप जानते हैं, तो लिखिए लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, ये हुआ है 10,000, ये हमारा लीस्ट नंबर हो गया फाइव डिजिट्स का। अब क्या करेंगे हम 36 का डिवाइड इसमें करेंगे, 36 का डिवाइड करके देखिए नंबर आपका निकलेगा, पहले डिवाइड करिए आप 10,000 में 36 से, जैसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हैं उस तरह से आप करिए, तो पहले कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, 72 आएगा, ये 8 ये 2, इसको लीजिए आप, अब कितनी बार जाएगा 7 बार, क्योंकि अगर 8 बार कर देते हैं, 8 यहां रखोगे यहां 38 हो जाएगा, वो 36 में 8 का अगर मल्टीप्लाई आप करें तो 288 आ जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार रखा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 42, 7 3 या 21 और 4 25, ये 8 हुआ ये 2 बचा, अब इसको लाइए आप तो 280 वही नंबर आ गया जो यहां पर आया था आपका, तो 7 बार फिर हो जाएगा डिवाइड आपका 252, 8 7 में से 5 गया 2। अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि अब नंबर हमें कैसे मिले, तो देखिए जब हमने 36 का फाइव डिजिट का जो लीस्ट नंबर है तो उसमें जब हमने डिवाइड किया है तो इतनी बार डिवाइड हुआ है लेकिन हमारे पास रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर हमारा जीरो होना चाहिए, वही नंबर हमारा होना चाहिए। अच्छा आप चलो कुछ क्वेश्चन में ये भी होता है रिमाइंडर होता है, तो उसमें से माइनस कर देते हमारा जवाब आ जाता, अगर हम ये वाला नंबर अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारे फोर डिजिट रह जाएंगे, डिजिट कम हो जाएंगे, तो ये नंबर हम माइनस नहीं कर सकते,
आप सीधी सी बात आप समझिए कि अगर इतनी बार डिवाइड हुआ है 277, लेकिन उसके बाद बचता है नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर आएगा वो 10,000 से बड़ा आएगा थोड़ा, तो बड़ा आएगा 277 नहीं होना चाहिए, तो 278 होना चाहिए, यानी एक बार और डिवाइड होना चाहिए। तो आप करेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर यानी कि 36 से डिवाइड किया था, कितनी बार होना चाहिए 278, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 278 × 36 इनको ऐड कर लीजिए, ये हुआ है 10,008, ये नंबर आपका हुआ है 36 से, ये डिवाइजिबल है, आपने समझ ली होगी इसकी प्रक्रिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, जैसे 36 का इसमें डिवाइड किया, पहले 2 बार हुआ, फिर 7 बार हुआ, फिर 7 बार हुआ, 28 आया, जब ज्यादा ये बचा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर जैसे हम जनरली ये करते हैं कि अगर शेष बच जाता है इसमें माइनस कर लेते हैं, लेकिन हमें एक शर्त दी है कि 5 डिजिट का नंबर हमको चाहिए। तो अगर हम 10,000 में से अगर ये 28 माइनस करें हम, तो जैसे ये आएगा तो हमारे डिजिट कितने रह गए, 4 ही डिजिट रह गए, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, तो हम माइनस नहीं कर सकते, ऐड करेंगे हम। तो जब ऐड करने की बारी आती है, इसका मतलब हम टेबल एक बार ज्यादा हम पढ़ेंगे, तो 7 बार करने से हमारा रिमाइंडर बचता है, इसलिए यहां पर 8 बार मतलब 278 हमारा जवाब आएगा। तो नंबर हमारा क्या होगा, 36 का डिवाइड करना है तो 36 में 278 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,008 आपका जी लीस्ट नंबर हुआ है 5 डिजिट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट विद इंटीजर 3 एंड सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द आंसर सब्ट्रैक्ट 1, देन मल्टीप्लाई द आंसर y माइनस 3, नाउ सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द आंसर, व्हाट डू यू गेट। देखिए इस क्वेश्चन को जब किए पुटअप आपसे किया गया है, तो इसमें कई एक स्टेप्स हमें दिखाई पड़ती है, तो स्टेप बाय स्टेप भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, इसमें सबसे पहले आपसे इसमें क्या कहा गया, स्टार्ट विद इंटीजर 3 से हम स्टार्ट करें, तो चलो करते हैं स्टार्ट, 3 लिख लिया हमने, सब्ट्रैक्ट 10, अब ये कह रहा है कि 3 में से 10 माइनस कर दीजिए, हमने माइनस कर दिया, स्टेप 1 आपकी पूरी हो गई। अब आगे क्या करता है, देखिए अब आगे क्या कहा इसने, अब ये स्टेप 2 शुरू होने जा रही है आपकी, स्टेप सेकंड स्टेप में क्या है, फ्रॉम द आंसर, ये आंसर हमारा तैसे उतारिए आप, 3 - 10 फ्रॉम द आंसर सब्ट्रैक्ट 1, इस आंसर में से हमें माइनस 1 करना है। ठीक है, ये आपकी स्टेप 2 हो गई। अब स्टेप 3 क्या है आपकी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका कहीं रॉन्ग नहीं होगा क्वेश्चन, मिस्टेक नहीं आपसे होगी। अब आगे कह रहा है देन मल्टीप्लाई द आंसर, अब जो आंसर आया ये आंसर आया हमारा 3 - 10 - 1, इसमें एक आंसर मल्टीप्लाई द आंसर बाई माइनस 3, जो आंसर हमारे पास आ रहा है इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टेप 3 पूरी हो गई आपकी। अब आप क्या कह रहा है, स्टेप 4 देखिए आप अपनी, नाउ सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द आंसर, अब जो आंसर आपके पास आया है उसमें आपको 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से यही क्वेश्चन आप पूरा उतार लीजिए आप, (-3) या बिग ब्रैकेट से इसको चेंज कर दे, क्योंकि ये टोटल एक आंसर के रूप में है, उसमें से माइनस आपको 20 करना है। अब ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा रेडी हो गया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर भी मिल जाएगा। वही तो आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिलता है, तो वो जो हमें मिलता है आ जाएगा अभी। तो सॉल्व करते हैं, कहां से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट से हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को ही करेंगे, वैसे लाइन ब्रैकेट होता है लेकिन लाइन ब्रैकेट यहां पर मौजूद नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, 3 में से आप 10 माइनस करिए तो माइनस के 7 आएंगे आपके, -1 × -3 बिग ब्रैकेट क्लोज -20, तो देखिए ये ब्रैकेट फिर से बना दिया हमने, ये -7 ये -1 तो ये -8 हो गई,
इंटू माइनस थ्री एक ब्रैकेट को बंद माइनस 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया 8 3 24, सारे ब्रैकेट से रिलीज हो गए आपके यहां से और ये माइनस 20 बचा है। अब 24 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो हमको क्या मिला है 4 मिला है हमको, ये इसका सोल्यूशन हुआ है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या है, हाजिल स्टार्टेड ए गेम ऑफ मोनोपोली विद रुपीज 70, शी हैड टू पे रुपीज 25 एज टैक्स एंड सी रिसीव रुपीज 10 एज रेंट ऑफ वन ऑफ हर साइट, अगेन सी वन रुपीज 20 बाई वे ऑफ लॉटरी एंड वाज देन फाइंड रुपीज 50 फॉर ओवर स्पीडिंग, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर एट द एंड ऑफ द गेम। मतलब कहने का ये है थोड़ा सा, मतलब जो ये क्वेश्चन है कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, केवल आपको इंटीजर्स पहचानने हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो उन्हीं को प्लस माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाइजल स्टार्टेड ए गेम, एक गेम को इन्होंने शुरू किया है ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के गेम को विद रुपीज 70, 70 रुपीज से शुरू किया, यानी कि शुरुआत में 70 रुपीज थे, तो आप शुरू कर लीजिए आप यहां से, 70 रुपीज इनके पास है, आपको केवल इंटीजर लिखने हैं, लीनियर में लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। She had to pay rupees 25 as tax. अब उनको क्या करना पड़ा कि 25 रुपए यानी 25 रुपीज टैक्स के रूप में देना पड़ा, जब देना पड़ा तो इनके पास से रुपए जाएंगे और जब जाएंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर के रूप में इसको यूज करना पड़ेगा 25 को, तो यहां प्लस करके माइनस 25 लिख लीजिए आप, ठीक है, ये टैक्स के रूप में दिया है। एंड सी रिसीव्ड रुपीज 10 एज रेंट ऑफ वन ऑफ हर साइट, और इनके साइट का इनको 10 रुपए किराया रिसीव हुआ है, मिला है, इनके पास आया है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लिख लीजिए आप प्लस 10। और क्या हुआ है अगेन, फिर दोबारा से क्या हुआ है, शी वन रुपीज 20 और उन्होंने 20 रुपए को वन मीन्स है जीत लिया है, वे बाय द वे ऑफ लॉटरी, लॉटरी के द्वारा, एंड वाज देन फाइंड, तो जो जीता है तो ये इनके पास आया है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के रूप में इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या किया, एंड देन फाइंड, और इस पर इन पर जुर्माना हुआ है, जुर्माना हुआ तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो आपको माइनस इंटीजर के रूप में इसको यूज करना है, तो माइनस 50 लिख लेंगे हम। ओवर स्पीडिंग मतलब अधिक स्पीड, ज्यादा स्पीड थी, इसकी वजह से 50 रुपए इन पर फाइन किया गया है। अब आपका सवाल पूछ रहा है हाउ मच मनी बाज लेफ्ट विद हर एट द एंड ऑफ द गेम, गेम ओवर हो चुका है, तो अब ये देखना है, हिसाब लगाना है आपको कि इनके पास कुछ बचा है या नहीं बचा है, ये देखना है, यानी कि 70 रुपीज थे इनके पास, 25 रुपीज इनको टैक्स के रूप में देने पड़े तो इनके पास से गए ये, मतलब उनके पास से चला गया, माइनस नेगेटिव इंटीजर के रूप में इसको यूज किया। उसके बाद 10 रुपए इनका किराया इनके पास आया तो प्लस हुआ है, तो उसको प्लस इंटीजर के रूप में यूज किया, और उसके बाद इन्होंने 20 रुपए लॉटरी के माध्यम से जीते हैं तो वो उनके पास आया है तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ है, और 50 रुपए इन पे जुर्माना हुआ है वो उनके पास से गया है तो इसलिए उनको हमने माइनस इंटीजर के रूप में लिखा। अब इनको सॉल्व करते हैं क्या आता है, देखिए 70 ये जितने भी ब्रैकेट है इनको रिलीज कर दीजिए, 70 ये प्लस माइनस मिलेंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस का 25 प्लस 10 प्लस 20 एंड माइनस के 50, तो देखिए ये जो प्लस के हैं नंबर उनको आप कलेक्शन कर लीजिए, 70 प्लस का है, 10 प्लस का है एंड 20 प्लस का है, तो इनको कलेक्ट कर लीजिए एक जगह पर हमने रख लिया। अब इसके बाद जो माइनस के उनको रख लीजिए, माइनस का 25 है और माइनस का 55 है, तो इनको ऐड करिए आप, 70 10 80 हुआ, 80 में 20 ऐड करेंगे तो 100 होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 75 होगा, 100 से 75 को माइनस कर दीजिए 25, यानी कि जो एंड ऑफ जब गेम हुआ है तब इनके पास कितने रुपीज है 25, क्योंकि यहाँ पर प्लस पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 25 रुपए इनके पास बचे हैं अभी हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो इसका मतलब ये डेबिट में आ जाते, इनपे रुपए कर्जा हो जाता, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं एंड ऑफ द गेम, देयरफॉर एंड ऑफ द गेम हाजिल लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी ऐसे लिख दीजिए आप, लेफ्ट मनी इक्वल रुपीज 25। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन में आप देखेंगे
थोड़ा बड़े दिमाग से पढ़ना है आपको। रीना क्लाइम्स अप फाइव स्टेयर्स एवरी सेकंड एंड देन क्लाइम्स डाउन टू स्टेयर्स ओवर द नेक्स्ट सेकंड। हाउ मैनी सेकेंड्स विल शी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर्स। मतलब कहने का है कि स्टेयर्स को यानी सीढ़ियों को रीना चढ़ती है, तो सीढ़ियां हैं कितनी पहले ये लिख लें आप। स्टेयर्स नहीं सीढ़ियां, वो 60 है तो 60 सीढ़ियों को चढ़ना है। टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है, तो उसका किस तरह से वो क्लाइम अप करती है। देखिए मान लीजिए ये है, यहां से ये आपकी बनी हुई है सीढ़ियां, मान लीजिए बनी है ये, तो पहले सेकंड में एक सेकंड में क्या करती है ये फाइव स्टेयर्स क्लाइम्स अप मतलब चढ़ जाती है। यानी कि ये वन है, टू है, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से आगे भी सीढ़ियों के नंबर मान लीजिए है, इनकी नंबर ऑफ स्टेयर्स। तो पहली सेकंड में ये क्या करती है कि फाइव सीढ़ियों को स्टेयर्स को ये क्लाइंब अप कर जाती है, यहां से यहां तक इसको वन सेकंड लगता है, ठीक है। लेकिन अगले ही सेकंड में ये कह रहा है एंड क्लाइंब्स डाउन टू स्टेयर्स ओवर द नेक्स्ट सेकंड, यानी कि जस्ट अगले सेकंड में वो टू स्टेयर्स वापस आ जाती है। यानी कि यहां पर है तो यहां से ये वापस आ जाती, तो कहां आ जाएगी, जब दो स्टेयर नीचे आएगी तो ये थ्री स्टेयर नंबर तीन पे आ जाएगी। यानी जब दो से ये भी एक सेकंड का ही इसे टाइम लगता है, तो टाइम टोटल में कितना हुआ यहां से यहां तक, दो सेकंड का जब टाइम होगा आफ्टर टू सेकंड ये थ्री स्टेयर्स पे होगी, यानी कि ये थ्री स्टेयर्स को क्लाइंब अप कर लेगी, मतलब तीन स्टेयर को वो चढ़ लेगी, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इन फर्स्ट सेकंड रीना क्लाइम्स अप स्टेयर्स इक्वल फाइव एंड नेक्स्ट वन सेकंड रीना क्लाइम्स डाउन स्टेयर्स इक्वल टू, टू स्टेयर्स पीछे आ जाती है। मतलब कहने का है कि दो सेकंड में ये कितनी स्टेयर पर होगी, थ्री पर होगी। तो आप लिखेंगे सो इन टू सेकंड्स, सो क्लाइंब अप स्टेयर्स इन टू सेकंड्स, कितनी स्टेयर होंगी, फाइव में से टू माइनस हो जाएंगे, थ्री स्टेयर्स आ जाएंगे, थ्री स्टेयर्स ये क्लाइंब अप करती है। और स्टेयर्स हैं कितनी आपकी, 60 है। तो आप लिख सकते हैं सिंस फॉर क्लाइंब्स अप थ्री स्टेयर्स टेकन टाइम इक्वल टू सेकेंड्स, देयरफॉर फॉर क्लाइंब अप 60 स्टेयर्स, इसमें कितना टाइम लगेगा, टेकन टाइम इक्वल टू अपॉन थ्री, और ये 60 का हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 22 जा 40, यानी कि 40 सेकेंड आपको लगेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, वन पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठवी, सातवीं, आठवीं, ऐसे करके। तो ये पहले एक सेकंड में फाइव स्टेयर तो यहां तक तो आ जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड में यानी दूसरे सेकंड में वो दो स्टेयर यानी कि एक दो स्टेयर पीछे लौट जाती है।
तो यानी कि जब 2 सेकंड का टाइम होता है तो वो 1 2 3 3 स्टेप पर मतलब 3 सीढ़ियों को वो चढ़ जाती है। तो अब ये कहने का मतलब है कि 60 स्टेप्स को उसे चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली सेकंड में वो 5 स्टेप्स चढ़ती है, अगली नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 2 स्टेप पीछे आती है वापस। तो जब 2 सेकंड का टाइम हो जाता है तो वो 5 - 2 यानी कि 3 स्टेप्स को वो क्लाइंब अप कर लेती है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जब 3 स्टेप्स वो क्लाइंब अप करती है तो उसे टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड का लगता है। तो उल्टी तरफ से हमने लिख लिया है, फॉर क्लाइंब अप 3 स्टेप्स टेकन टाइम यानी 2 सेकंड लगता है। तो फॉर क्लाइंब अप 60 स्टेप्स आपको जो दिया है उसमें निकालना है, तो 2/3 और इंटू 63 से 20 बार कैंसिल कर दिया, 22 = 40 सेकंड हो गया। तो ये इसका जवाब हो गया है कि जो 60 स्टेप्स है उसको क्लाइंब अप करने के लिए उसको 40 सेकंड चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो भी आपको हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स आपको छोड़े हैं, आपके लिए छोड़े हैं, तो जैसे हमने लगाए हैं जो भाग उसी तरह से अन्य पार्ट्स भी आपको करने हैं, उन्हीं से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से करने हैं। और आपको क्या करना है कि अब ये चैप्टर 1 आपका फिनिश हो चुका है, क्योंकि इसमें 4 एक्सरसाइज थी, वो पूरी 4 एक्सरसाइज 1.4 तक है, तो वो पूरी हो चुकी है आपकी कंप्लीट। तो आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं चैप्टर 1 के लिए, एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 सारी एक्सरसाइज आपको पढ़ाई जा चुकी है, सारे क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी जहां पर कोई डिफिकल्टी है उनके बारे में हमने बताया है आपको। अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, तो जो भी रिक्वायरमेंट आपको है बनाने की, जो रिक्वायरमेंट आपको है तो वो आपको बनाने जरूर चाहिए। तो आप नोट्स आपके 1.1 से लेकर के और एक्सरसाइज 1.4 तक बन जाने चाहिए। हालांकि हमने ऑनलाइन के माध्यम से आपके नोट्स बनाने के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम नोट्स हमने भेजे भी हैं, उनसे आप पूरे नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।